Hello, hi, and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our guest list is Yogesh Parihar, a man you must have seen in a lot of episodes of Crime Patrol. So let's invite him and get to know more about his life. So I can already see Yogesh and I've added him and have invited him for the chat, and let's see what he has to tell about his life. Hello, Alta ji, I'm good. Golu Verma ji, hello. I'm just waiting for Yogesh to join us. And in the meanwhile, jitte bhi log aap... Hello, Yogesh, how are you doing? Hello, hello, hi. Hi, hi. So you can hear me properly? Sound aa raha hai. Yeah, right, right. Now I think it's fine. So thank you. Tell me, let's start from this. What disturbance are you actually background? Mein kuch AC ya kuch chal raha aapke udhar? Wait. Exactly. Now it's all clear. So, अभी ठीक है? जी, अभी बहुत बढ़िया. Tell me, जैसे कि मैंने introduce किया कि आप बहुत सारे episodes में जो crime patrol के हैं, उसमें दिखे हैं. So how was your journey? You know, like, can you hear me? हाँ, yes. Okay. Journey ऐसी है कि 2010 में जो है इस जर्नी की जो है शुरुआत एज एन एक्टर. और पहले से डिसाइड नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा और जो है टीवी सीरियल्स या फिल्म्स में काम करूंगा. लेकिन फैमिली जो है फिल्म देख रही थी और फिल्म के दौरान जो है उन्होंने कहा कि अपने परिवार में से कोई टीवी पर आएगा क्या. सो जैसे कि पहले मेरा ये डिसाइड था कि मैं जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा और कोई अच्छी जॉब की जो है तैयारी करूंगा. लेकिन अब पता ये नहीं था कि जॉब करूंगा कौन सी, ये डिसाइड नहीं था. सिर्फ इतना था कि यार स्टडी करनी है और जॉब करना है. लेकिन जब ये सुना कि अपने परिवार में से कोई टीवी पर नहीं आया है, तो मैंने सडनली पूछा कि अभी तक कोई नहीं आया है जी? तो बोले नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है. ओके. तो फिर मैंने कहा कि यार ये काम मैं करूंगा. तो बेसिकली ये उन लोगों का एक सपना था जो आपको भी लगा कि ये चीज तो आप भी कर सकते हैं और आप भी उसी उनके सपने को पूरे करने के लिए उतर गए, राइट? हाँ, बिल्कुल. क्योंकि एक चीज तो वो थी ही और दूसरा ये था कि जब मैं अपने गांव में पढ़ाई कर रहा था जी, और गांव में पढ़ाई के दौरान जब मुझे जयपुर आना था जी, तो जब मैं जयपुर आ रहा था तो मेरी क्लास टीचर जो थी जी, उन्होंने मुझे जो ना एक बात कही थी जब मैं निकल रहा था. उन्होंने कहा था, योगेश जयपुर बहुत बड़ा शहर है जी, और तुम उस शहर में जा रहे हो जी, तो कुछ बनकर आना. ओके. तो वो बात जो है मैंने दिमाग में बिठा ली थी और फिर फैमिली वाली बात दिमाग में बिठा ली थी. तो फिर मैंने कहा चलो जी, कुछ अब यही करते हैं जी. तो फिर मैंने सोच लिया जी, और लेकिन अब शुरुआत कहाँ से करें जी? मतलब आपने सोच तो लिया लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे इसकी? सो फिर मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने और ये सब जो है शुरू कर दिए कि ताकि कहीं से कोई कुछ जो है क्लू मिल जाए कि यार आप इस इंस्टीट्यूट से या यहाँ से जो है शुरुआत कर सकते हैं. तो जब उसमें कुछ जो जयपुर के एक्टर्स से जो आते थे उनका कहना होता था कि हमने अपनी शुरुआत जो है थिएटर से की है, थिएटर से की है. तो मैं ये सोचता था कि यार ये थिएटर क्या है, मतलब सिनेमा हॉल से कौन शुरुआत कर सकता है? वहां तो जो है फिल्में देखने के लिए जाते हैं, तो वहां से क्या शुरुआत होती है? आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है दैट रंगमंच या थिएटर जिसे बोलते हैं ये अलग एक फील्ड है. लेकिन बहुत सारे लोग थिएटर एक्टर्स होते हैं, तो जितने भी लोग थिएटर करते हैं वो इससे इस चीज से मतलब उनका रूबरू हो चुका होगा कि भाई बहुत से लोगों ने बोला थिएटर मतलब तुम सिनेमा में जाके काम करते हो. तो फिर पता चला कि फिर पेपर के अंदर ही
आप प्लीज वेव कर दीजिए, कोई बहुत देर से कह रहा है कि योगेश जी हाथ हिला के हाय कर दीजिए, आपके कोई फैन है तो अरे प्लीज हेलो वेव कर हेलो हेलो हेलो, दीजिए। मैं जितने भी लोग जो देख रहे हैं और जिनके भी मैसेज आए हैं सबको हेलो हेलो नमस्कार, खम्मा गणे, और तो जी मेरी तरफ मैम, से आपको बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी जी, जी तो तो बताइए। फिर मैं, हाँ फिर पेपर के अंदर जो है फिर एक बार आया कि जो नए कलाकार है जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते जी हैं, एक्टिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो जी वो रविंद्र मंच पे जो है आ सकते हैं। तो जयपुर में रविंद्र मंच करके एक जगह है जहाँ पे थिएटर होता है, तो उस वो ओके, पढ़ने के हो बाद मुझे लगा हाँ यही वो थिएटर है जहाँ से शुरुआत हो सकती है। सकती है, राइट। चले गए और जाने के बाद में जो है फिर वहां से आपकी जर्नी रंगमंच स्टार्ट पर, हुई, हाँ एक के बाद एक वहां से फिर आपकी जो है जर्नी। जर्नी शुरू हो गई। हाँ यस यस यस, वहां से जर्नी शुरू हो गई। तो आपको लगता होगा ना डेस्टिनी का भी क्या खेल है, मतलब आपने सोचा नहीं था क्या करेंगे, आपके घर वालों ने ऐसे बोला, सडनली आपको एक आइडिया क्लिक किया कि शायद मैं ये कर सकता हूँ और आपको उसमें मजा आने लगा, राइट? मतलब आपको कभी बिल्कुल आपने कभी ये सोचा नहीं था कि आप जाएंगे, अभी आप बात कर रहे थे कि आप एक गांव में पले बड़े हैं और अब आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो यू नो हाउ वाज अ जर्नी, लाइक यू नो बहुत ही अलग अलग जगह है, गांव में एक अलग तरह का माहौल होता है, जयपुर जैसे जो सिटी है उसमें एक अलग होता है, महानगर जैसे मुंबई में बहुत ही अलग माहौल होता है, तो हाउ इज द जर्नी, आपको क्या बदलाव दिखे या यू नो क्या चीजें ऐसी दिखी जो शायद आपको पॉजिटिव भी लगी या आपको ऐसा लगा कि यार मेरे गांव में ज्यादा अच्छा होता था, कुछ ऐसी चीजें थी आपके साथ? मैं अगर शहर और गांव के कंपैरिजन में बात करूं तो जी जैसे सपोज टू बी मैं मुंबई को ही लेके बात करता हूं कि जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं मुंबई में रह रहा हूं, जी तो मैं मुझे ऐसा लगता है मैं शायद सच्चाई से परे हो जाते हैं हम। जी 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 मुझे ऐसा फील, मुझे जो है ऐसा थोड़ा कई बार ज्यादा ऐसा फील, ज्यादा अपनापन होता है, जहाँ छोटे शहरों में थोड़ा ज्यादा अपनापन होता है, हाँ लोग थोड़ा ज्यादा 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 अपना, प्यार हाँ करते हैं आपका, यू नो आपके बारे में बात हाँ चीत करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में, बड़े शहरों में कुछ हाँ ज्यादा तवज्जो नहीं देता है कि भाई क्या वो हो नहीं रहा है किसी होता लाइफ में, है, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर किया बिल्कुल। जाता है। जी तो तो मेरा यही था कि मैं इसीलिए मैं हर 2-3 महीने में जब से मुंबई शिफ्ट हुआ, मतलब 2016 में मुंबई में शिफ्ट हो गया था, तो मेरा हमेशा से ये था कि हर 2-3 महीने में जो है एक चक्कर तो जो है घर का लगाना ही है, लगाना ही है, राइट राइट क्योंकि मैंने ये चीज जो है ना रियलाइज भी की है कि मुंबई में जब रहता हूं तो एक एक अलग ही मेंटेलिटी और एक अलग ही माइंड रहता है, एक जो है ना एक माइंड सेट हो जाता है वहां जाके और रिफ्रेश हो जाता है। सच्चा, हाँ और सच्चाई से जो है ना बहुत परे हो जाता है। ऐसा लगता है कि मुखौटा पहनना पड़ता है, ऐसा लगता है जी, बिल्कुल हाँ, सही कि एक बात। मुखौटा जो है आप पहनो और वो जो जिस कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है मुझे। जी भूषण पांड्या जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हेलो या आई थिंक वी लॉस्ट यू। तो आप बात हेलो कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पे चीजें कुछ हद तक आर्टिफिशियल होती हैं जो आपके शहर में शायद हाँ, होती, तो ये बताइए कि लाइक यू नो लॉकडाउन मुझे मुझे ऐसा में लगता है कि वो मेरे ही शहर में नहीं, इनफैक्ट अगर आप भी कहीं से किसी शहर से या किसी गांव से किसी भी शहर से हैं तो ये आप भी फील कर सकते हैं कि हाँ कि मुंबई मुंबई शहर जी सम नेटवर्क इशू, आई थिंक वी लॉस्ट। जी एक कनेक्शन जब आपको पता लगता है जी तो लगता है यार सच्चाई तो ये है, सच्चाई, सच्चाई तो ये है, मैं तो कुछ और ही जिंदगी जी रहा हूं। राइट। तो ये बताइए लाइक यू नो हाउ वाज योर लॉकडाउन पीरियड, क्या आपने नया किया इस पीरियड में, लाइक यू नो यू गॉट टाइम फॉर योरसेल्फ, आपने क्या नया किया? नया इन द सेंस कि एक तो सबसे पहली चीज ये थी कि खुद के लिए बहुत समय मिला, फैमिली के लिए जो है बहुत समय मिला बिताने के लिए। इनफैक्ट मैंने 30 मई को जो है 4 साल बाद अपनी फैमिली के साथ में जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो कि मैं नहीं कर पाया था क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू जो है मैं शूटिंग पे ही सेलिब्रेट कर रहा था, ऐसा था। तो जी
ऐसा था कि फिर 4 साल मतलब 5वें साल में जो है मैं फैमिली के साथ में जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जो कि उससे पहले ऐसा होता था कि मैं हर साल फैमिली जो है बर्थडे मनाती थी। तो इस लॉकडाउन की पीरियड में मैंने जैसे एज एन एक्टर की भाई वेब सीरीज देखी, मैंने अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखी, फिल्म्स देखी और नाटक्स की जो है बुक्स वगैरह पढ़ी, तो ये सब रहा। जी ओके तो यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग आपने इतने सालों के बाद लाइक यू नो आप अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो चलिए थोड़े से वापस आपके चलते हैं, बचपन की तरफ चलते हैं। जो आपने जैसे बताया कि आप मतलब पढ़ाई के लिए आप जयपुर आए, तो आप बताइए लाइक हाउ वाज यू एज अ चाइल्ड, यू नो क्या आप नॉटी थे, आप शरारती बच्चे थे या बहुत शांत थे, कैसे थे आप? मतलब मैं जब मेरे बारे में जब घर पे बातें होती कि मैं मतलब जब बहुत छोटा था तो मैं किस तरीके से मैं जो है, एक तो मेरी मम्मी हमेशा ये कहते रहती कि हेलो अगर जैसे हम 3 भाई बहन हैं तो बोले सबसे ज्यादा अगर परेशान किया है तो मैंने परेशान किया है हमें। तो मैं पूछता हूँ कि मैंने परेशान आखिर किया कैसे, तो वो कहती रहती कि तुझे हम रोटी देते थे खाने के लिए, तू खाता था मिर्ची, तू हाँ हम जो है सो जाते थे तो तू किचन में उठ के जो है चला जाता था और देखता था कि मिर्ची कहाँ है, फिर लाल हो हरी हो तू मिर्ची खाता था। और फिर कहते थे कि और जब बोले कुछ भी अगर कुछ काम करना होता, जब तू थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जब कुछ काम करना होता था बाजार का सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो तू एकदम जो है ना बड़ी जो है एनर्जी के साथ में आता था, बोले मैं जाता हूँ मैं सब्जी लेके आता हूँ, तो बोलते थे तू जाता था। और जब तू आता था तो हमें दूर से पता लग जाता था क्योंकि तू एक गाना गाता था और वो गाने से पता लग जाता था कि वो आ रहा है। तो मैं मतलब मैंने पूछा भी मैंने उनसे कि मैं कौन सा गाना गाता था, तो बोले गाता था कि तू पल दे ची जाना नहीं हाँ तो बोले जब तुझे पता लग गया था कि हाँ भाई तू सब्जी लेके आ सकता है, तो तू बोले एक थैला ले जाता था और थैला को यूं टांग के और पैंट पैंट पहनता था, छोटी छोटी पैंट जो है वो पहनता था और उसमें हाथ डाल के पल दे ची जाना नहीं, और तू इतना तेज गाता था कि हमें जो है घर से पता लग जाता था कि मतलब एटलीस्ट शायद 150-200 मीटर की दूरी से जो है उनको पता लगे कि वो आ रहा है आ रहा है। सब्जी तो लेके थैंक यू शौनक, तो इसका मतलब ये कि आप बचपन से ही आप एंटरटेनर रहे हैं, राइट? आप बचपन से ही एंटरटेनर रहे हैं और आपने एंटरटेन किया है अपने परिवार वालों को, आई एम श्योर। तो उसके अलावा लाइक यू नो जब आप जयपुर आए पढ़ने के लिए, तो वहां पे आपको कैसा लगा? लाइक यू नो हाउ वाज द पीरियड? जो बच्चे कई बार ऐसा होता है कि कई जैसे अगर कोई गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, तो जनरली शहर के बच्चे उनको बहुत ज्यादा नहीं अपनाते, तो ऐसा आपके साथ हुआ क्या? सबसे पहले तो ये कि मेरे जो मतलब स्टडी जो शुरुआत जो हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, तो मैं हाँ दिल्ली से हुई थी, तो दिल्ली में आई थिंक 4th क्लास तक तो जो है मैं दिल्ली में ही मेरी स्टडी हुई। और उसके बाद में ये डेस्टिनी का ही खेल था, ये भी ऐसा था कि हम लोग सिर्फ 10 से 15 दिन की छुट्टी के लिए आए थे गांव में, 10 से 15 दिन के लिए, और पता नहीं क्या हुआ कि जाना ही नहीं हुआ, जाना ही नहीं हुआ। राइट 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 जाना ही नहीं हुआ। शायद शायद किस्मत जो है कहीं और ही लेके जा रही थी, कुदरत जो है कहीं और अपनी तरफ लेके जा रही थी, तो हमारा बिल्कुल जाना ही नहीं हुआ। तो फिर और मेरे लिए स्टडी का ऐसा था कि यार जो भी है अपने पास में यही है, राइट ठीक है एक यही है जिससे जो ना हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। वेरी तो जब मैं अपनी फैमिली को बोलता था कि आप चलो चलो जो है ना, क्योंकि जो है समय खराब होता चला जा रहा है, जो है स्टडी जो है खराब होती जा रही है, आप चलिए, तो वो भी ऐसा कुछ घुल मिल गए। तो उन्होंने कहा कि यार यही जो है रहते हैं गांव में, सब सारे यही रह रहे हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे दिल्ली में जब मैं पढ़ता था तो बकायदा वो बैग वगैरह और एकदम जो है ना तरीके से जो जिस तरीके से जाते थे वो सब, और गाँव में जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना सरकारी स्कूल में जब जाते थे तो थैला जो होता था वो कपड़े से जो है बनाया जाता था और उसको जो है चार चार पांच कॉपी आपने डाल ली, 2-3 किताबें डाल ली और आपने जो है ये टांग के और चल दिए, और या उसको फोल्ड करके यूं करके चल दिए, तो
उसका मतलब मजा भी आप अपना एक पार्ट है। आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, जैसे जाना चाहिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, यू नो, कोई ऐसी कोई रूल्स का हो नहीं, जो करना करिए, थैला पीछे रखिए, आगे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो मैं चल देता फिर उसके बाद में, फिर गांव में जो है मैंने स्टडी जो है आगे की जो है फिर कंटिन्यू कर दी। और फिर जब जयपुर, जब सारे मतलब फैमिली जब जयपुर शिफ्ट हो गई थी, तो इकलौता सिर्फ मैं ही बाकी रह गया था गांव में जो अकेला था। और तो फिर मैं भी आ गया था। आने के बाद में मुझे इस स्टडी में मतलब हमेशा से ऐसा था कि मैं मतलब जयपुर शिफ्ट होने से पहले भी मैं एक बार आया देखने के लिए कि भाई मैं कौन से स्कूल में पढ़ने वाला हूँ। तो लिटरली मैंने एक स्कूल देखा और मैं गया वहां पे, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीचर्स थी, बच्चे जो है ना खेल रहे हैं कूद रहे हैं छोटे छोटे, और टीचर्स जो है ना स्वेटर जो है बुन रही हैं। अच्छा, ये तो शायद हमने किसी सीरियल में भी देखा है ऐसा। तो तो टीचर्स जो है, जी और मैं देख के मैं मतलब वो ऐसे करे जा रही है और मैं यूं, जी मैं तो कहा मैं यहां पढ़ूंगा। मतलब टीचर स्कूल में अपने स्वेटर बुनने आती थी। दिस इज वेरी अब पता फनी, नहीं, मैंने तो यही देखा था उनको। क्योंकि और मैंने क्योंकि जैसे अभी तक मैंने हमने ये नजारा सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखा है, आप तो रियलिटी की बात कर अपनी आंखों से देखा है, मैंने रहे अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे जो है ना अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, है ना, और टीचर भी टीचर जो नहीं है है लगी हुई बैठा है, के। और फिर बातें भी कर रही है। अच्छा तू अच्छा बता, सब ठीक अच्छा है घर में, सब बढ़िया ये सब। अच्छा और मैं देख रहा हूँ, अच्छा मैंने कहा ये स्कूल में तो नहीं पढ़ूंगा, मेरा गांव का स्कूल ठीक है, मेरा गांव का सरकारी स्कूल ठीक है, मैं उसमें चला जाऊंगा लेकिन यहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो अच्छा तो ये आप फिर मैं प्राइवेट वापस स्कूल की चला बात गया। कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। नहीं ये नहीं, मैं ये गवर्नमेंट स्कूल था, ओके गवर्नमेंट ओके स्कूल था हाँ जयपुर में, जब मैं जिस स्कूल को मैंने देखा था, अच्छा ओके ओके और गांव में भी जो है जिसमें मैं पढ़ता था वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन वो ओके बहुत अच्छा स्कूल था ओके और बहुत पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था। अच्छा था। तो ओके मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद में फिर कुछ ऐसा प्लान हुआ कि जो है ना फिर जो है जयपुर जाना होगा, फिर जयपुर से जो है स्टडी शुरू हो गई। तो मैंने मेरा हमेशा से ये स्टडी के मामले में ऐसा रहा है कि पता नहीं वो सच है कि झूठ है, किसी ने मेरे कानों में ये डाल दिया था कि अगर आपने कुछ गलती करी जी तो आपको जो है 3 से 4 साल के लिए जो है ना बैन कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको स्कूल में कहीं दाखिला ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब हाँ कौन की बात करें, किसी भी स्कूल में अगर आपने ऐसा किया तो। किसी भी स्कूल में, मतलब किसी भी स्कूल में अगर मैं एग्जाम के दौरान अगर मैं किसी को बता रहा हूं कि जी, चीटिंग जैसे करते होता हैं है ना, आप, पूछते हैं जैसे हाँ फर्स्ट का बताना सेकंड का बताना, तो जी। अगर मैंने बता दिया और मैं पकड़ा गया तो मुझे 3 साल के लिए वो हटा देंगे, या वो मैंने तो कुछ जनरल चीटिंग के रूल्स होते हैं, आई थिंक। अगर आप हाँ चीटिंग करते हाँ हुए पकड़े गए तो, और स्पेशली हाँ बोर्ड एग्जाम में ज्यादा होता है, बोर्ड एग्जाम के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हाँ उससे शायद आपको ये पता चला होगा। तो ये बताइए कि लाइक ये हाँ तो ऐसा हुआ जो आपने पढ़ाई हुई और ये सब हुआ, तो अभी कभी ऐसा मौका मिला आप वापस से अपने गांव के स्कूल में गए और आप उस टीचर से मिले, और आपने जिन्होंने आपको बोला था कि बेटा तुम जा तो रहे हो तो करके आना कुछ, तो आपको ऐसा मौका मिला? मैं जैसे पिछले साल जो है मेरा जाना हुआ था गांव में, क्योंकि वोट डालने के लिए मैं गया था अपने गांव में। तो वोट डालने के लिए जब गया तो मैं जो सेंटर बनाया हुआ था वो मेरे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था वहीं पर था। तो मैं वहां गया, और वहां जाने के बाद में जो है ना एकदम यादें जो है वो ताजा हो गई ताजा थी हो कि गई, यार कि राइट। एक खुद को ऐसा मतलब गर्व वाली फीलिंग आ रही थी कि यार मैं इस स्कूल से जो है निकला हूँ, यहाँ से जो है मैंने पढ़ाई की है, और मेरा एक सफर जो है कुछ अलग ही जा रहा है। लेकिन मैं जब भी मेरा गांव जाना होता तो मैं अपने टीचर के बारे में पूछता हूँ कि यार वो टीचर अभी कहाँ है, राइट वो राइट कहाँ है। तो कोई कहता है कि यार वो वहां पोस्ट हो गई, कोई कहता है वहां पोस्ट हो गई। तो मेरा ये है कि मैं इस बार अब जब भी मेरा जाना होगा तो मैं एक बार जरूर जो है उनसे मिलना चाहता हूँ कि हमें जो है आई आई होप कि कोई भी जो देख रहे होंगे, आप वो टीचर का नाम ले लीजिए, तो कोई भी आई एम श्योर वो आपसे जी। हाँ मेरी जो टीचर है उनका जो है मीना नाम है उनका, हम उन्हें मीना मैडम जो है कहते थे। और वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर साधुलपुर तहसील है, जी उसमें जो है मेरा गांव आता है सांखू फोर्ट, जिसमें वो पढ़ाती थी।
अगर आप में से अगर किसी को भी पता हो कि वो इस वक्त कहाँ है डेफिनेटली तो आपको कहीं ना कहीं से उनका पता आप मिलेगा, हाँ मुझे पता है। डेफिनेटली। इनफैक्ट जब मैं जयपुर आ रहा था तो उन्होंने उन्होंने बकायदा अपना नंबर तक जो है लिख के दिया था कि कुछ भी हो मुझे कॉल जरूर करना तुम, अगर कुछ परेशान हो या कुछ भी दिक्कत आए तो। नंबर भी पता नहीं कहाँ चला गया और ऐसा कुछ। बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो आज की डेट में जो अपने बच्चों, जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं। तो आई थिंक यू शुड रीच आउट टू हर, लाइक थैंक यू वेरी मच जिमी। लाइक अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तो रही आपकी इसकी बातें, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। आपने बहुत, आप ऑलमोस्ट कितने एपिसोड कर चुके हैं क्राइम पेट्रोल के? क्राइम पेट्रोल की मैं 150 से ज्यादा 150-200 एपिसोड कर चुका हूं अब तक। तो जितने भी क्राइम पेट्रोल के फैंस हैं, आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में तो आपको देखा ही होगा। लाइक यू नो, 150 एपिसोड इज अ बिग बिग थिंग। तो आई एम श्योर आपको कई अपने फैंस के मैसेजेस भी आते होंगे, और यू नो आपको उनके उसमें मैसेजेस आते होंगे कि हमने आपको इस रोल में देखा, उसमें देखा। तो बिल्कुल। टेल मी, यू नो, इसके अलावा आपने जो किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके? जैसे जो अब तक मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो ये है कि रंगमंच तो मैंने किया ही है, उसके अलावा कई बड़े बड़े थिएटर फेस्टिवल्स में जो है मैंने परफॉर्म किया है। फिर टीवी सीरियल की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सीरियल था मेरा कलेक्टर साहब था, उसके बाद फिर क्राइम पेट्रोल, और उसके साथ साथ मन में विश्वास है, और सावधान इंडिया, और रिसेंटली अभी मैं CIF जो CID टीम के साथ एक शो आ रहा था वो कर रहा था, फिर एक क्राइम अलर्ट करके शो आ रहा है वो कर रहा था, फिर मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म भी की, और फिर मेरा एक सोलो एक्ट प्ले भी है जिसमें जो कि 1 घंटे का प्ले है, बाकी मसले उसका नाम है, और मैं 10 से 12 करेक्टर्स जो है मैं प्ले करता हूँ। तो ये चीजें तो जो है वो चल रही हैं, और अभी आने वाले में ऐसा है कि मैं जो है अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स का जो है हिस्सा बनना चाहता हूँ, बस जी, ये है। तो कौन और से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि आप एक, होता है कई लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कुछ एक्शन, कुछ थ्रिलर करना, कई लोग का कुछ और होता है, आपके ऐसे कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे एक्चुअली कई बार मैं इस चीज को लेकर सोचता हूँ, क्योंकि मैं और फिल्म भी देखता हूँ तो भी मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं एक्शन फिल्म जो है मुझे बड़ी पसंद आती है, पता एक्शन ऐसा फिल्म। होता है जब हम किसी को कोई रोल देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये रोल तो शायद हमारे लिए होना चाहिए था, यू नो, आई एम श्योर आपका आता है, तो हाँ आई एम श्योर आपको भी होंगे। बिल्कुल तो आप एक्शन फिल्म से ज्यादा प्रभावित होते हैं, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो है ऐसे बहुत से रोल हैं जो लगता है कि नहीं यार ऐसे रोल मिले तो मजा आ जाए। सपोज टू बी जैसे मुझे पाताल लोक देखी मैंने, तो पाताल लोक में जो जयदीप अहलावत सर ने जो प्ले किया है वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार इस टाइप के जो करेक्टर्स होते हैं जिनकी जिनकी बात ही अलग होती है, तो ये करने में मजा आता है। और जैसे इरफान खान साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनकी जो है जो कई सारी फिल्में हैं जैसे पान सिंह तोमर हुई, और साहिब साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न हुई जो एक ताव में आके बात कहना, और वो सब सारा कई सारे करेक्टर्स हैं ऐसे करने का बड़ा मन करता है कि यार ये इस टाइम के बहुत बहुत अच्छी मैंने। बात है। एंड यू नो, वी विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर, एंड वी विश कि जब नेक्स्ट टाइम हम बात करें तो कोई ना कोई कैरेक्टर आप जरूर उसके चुके हो, और यू नो आप फिर उसकी वो बताएं कि ऐसा मैंने बोला था मुझे करने का, और ये मैं कर चुका हूँ एक कैरेक्टर। तो चलते चलते आप ये बताइए, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शायद चैट आपकी अभी लाइव चैट में नहीं शामिल हो पाए, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम दैट यू नो दे कैन ऑलवेज वॉच दिस चैट ऑन आर यूट्यूब चैनल, ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन में देख सकते हैं। उसके अलावा तो आप तो आने वाले उसमें भी कई आपके फैंस को देखेंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए ऐसा है कि आप लोगों ने जो अब तक प्यार बनाए रखा है, जो विश्वास बनाए रखा है, बस वो बनाए रखिए, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में भी जैसे आप लोगों ने अगर कोई एपिसोड आ जाता था तो आप रिकॉर्ड करके जो है भेजते थे, स्क्रीनशॉट्स जो है निकाल के भेजते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और जैसे कुछ लोगों ने तो बकायदा मैसेज और फोन करके बताया कि हमने अपना जो है लॉकडाउन क्राइम पेट्रोल सीरियल देख के जो है निकाल दिया, पता ही नहीं लगा कि इतने जो है इतने महीने निकल गए। तो
तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी मेहनत काम आई, और आपके प्यार की वजह से जो है हमें एक एनर्जी मिलती है। तो अपना बस प्यार बनाए रखिएगा और विश्वास बनाए रखिएगा, और जैसे हम अपनी सेहत का और हम जो है अपना ध्यान रखते हैं, वैसे आप भी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जी मस्त रहिए, और सुना के राइट ड्रीम चेज प्रोडक्शन की पूरी टीम को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ही, और स्पेशली आपको भी, और पूरी टीम को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आर शो. थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला, एंड यू नो फॉर शेयरिंग ऑल दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स विद अस. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून. बाय बाय. थैंक यू, थैंक यू। बाय.